पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी के सामने पेश हैगी। तो इस वीडियो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बी ए के तीजे समेस्टर दी पाठ पुस्तक पंज आव विच दर्ज पहला निबंध इस बारे चर्चा करनी है। इस दे लेखक हैगे ने ज्ञानी गुरदित्त सिंह। ते उन्होंने इस निबंध दे विच जो विचार पेश किए ने उन्हां दी आपां गल करदे हैगे आ। तां इस निबंध दे विच निबंधकार अपने पिंड दे लोकां दे इष्टां दा बड़े व्यंगात्मक चोबां चोटां अते रस भरे तरीके दे नाल जिक्र करता है। कई छोटे बड़े इष्ट मतलब आपां दे पॉइंट बना सकते हैगे जदों असीं सार लिखना हैगा, ठीक है। तो निबंधकार दसदा है कि उसके पिंड के लोगों के कि छोटे बड़े इष्ट हैं। सारे पिंड का सांझा पूजा स्थान समेत मुसलमाना दे गुरद्वारा है। हर गोत के घर दियाँ आपो अपने वडेरियां दियाँ वख वख समाधां अते मटियां हैं। हरेक गली विच लग्या खूह खवाजा है। हर मुहल्ले विच खड़ा पिप्पल दा रुख ब्रह्मा दा अवतार अते हर घर विचली गऊ एक तरह का देवी इष्ट है। माता दी पूजा कुछ घर टोभे उत्ते बनिया माता राणी दियां मटियां दी हरेक मंगलवार पूजा करते हैगे ने। ते ओहो जिन्ना चर मैं मझ नूं कहिंदे मझ जां गां दे दुध नाल मटी नूं इशनान ना करा लैण उन्ना चर उसनूं रिड़कण नहीं पाउंदे, भाव उसनूं रिड़कण नहीं लगदे। लेखक दसदा है कि जदों किसे पिंड दे कोई फोड़ा फिंसी निकल आए तो उसनू धक्के ही माता निकले बना दिया जाता है। इस समय पिंड दियाँ बुढ़िया इकट्ठिया हो के माता राणी ने किस्मा दसण विच अपने जौहर विखाउंदियां हन ते एक दूजे उपर अपनी अकल दा रोब पाउंदियां हन। कोई उसनू ब्यो माता, कोई दाणेदार माता, कोई जल माता, कोई फुल माता, कोई वड्डी माता, कोई छोटी माता, ते कोई पाणी झारा जां खसरा दस के घर वालियां नू माता निकली दा यकीन करा दिंदियां ने। फिर मरीज़ नू अंदरले कमरे विच डक के रसोई दे सारे रस्ते बंद कर दिते जांदे हन। रोशनी दे सारे रस्ते बंद कर दिते जांदे हन। ते अखे इस तरह ना कीता तां माता राणी नू चलकौर मार जावेगी। ते जेकर किधरे मीह पैण लग जावे तां फिर मरीज़ नू बिजली की गर्जन तो की आवाज़ तो बचाने लिए घर विच पीपे अते भांडे खड़का के ते चक्की आदि पी के लगातार खड़का किया जाता है। तो इस तरह बीमार नू छल अते माता राणी की क्रोपी तो बचाने की कोशिश की जाती हैगी। फलस्वरूप जेकर मरीज़ बच जाए तो जिस बुढ़ी ने माता की किस्म दसी हो उसका बड़ा आदर किया जाता है। पर जेकर मरीज़ मर जाए तो बुढ़िया कहदियां ने कि उस बुढ़ी का कसूर है जिसने उसकी किस्म गलत दसी सी। तो माता दे मरीज का दवा दारू करना बिल्कुल बुरा समझा जाता है। इतों तक कि जेकर किसी नूं मामूली ताप भी चढ़े तो यह कह के उसका इलाज करनों रोकया जाता है कि यह तो अज भलक माता राणी का खोतड़ा बनने वाला है। इस तरह माता का मरीज भावें लेरा मार रहा होवे पर घर वाले यही कहते हैं कि बेचारी ने पंग दी नहीं लाई, हसदी खेडदी आई तो खसदी खेडदी जा रही है। माता दे मुड़ जाण ते मिठे गुलगुले पका के माता राणी दा थान दित्ता जांदा है। गुलगुले पकाउंदे समय किसी जेठे धी पुत्तर नूं नेड़े नहीं आउण दित्ता जांदा ते किसी अणभोल बच्चे नूं कोल खड़ा कीता जांदा है। जिन्ना चिर माता निकलण वाले जी नूं नाल लै के माता राणी दे गुलगुले चढ़ा के गधे नूं भोग नहीं लगवाया जांदा उन्ना चिर घर दा कोई जी इन्हां नूं जूठे नहीं करता। पाणी चारे ते खसरे दे निकलण ते हथौले करवाए जांदे ने। जंतर कर मंत्र करन वाला सियाणा 40 रोजे ते 50 रोजे हथौलियां दे नाल घरदियां नूं परचाई रखदा। मतलब कि यह 40 रोजे 50 रोजे मतलब भी 40 दिन दे हथौले ते 50 दिन दे हथौले मतलब करन दे विच घरदियां दा जिहड़ा है उन्हां नूं इस काम दे विच पा के रखदा है। किसी दे चिंबड़ जाण दा वहम जेकर कोई वधेरे सुखा पी के वधेरे गर्मी खुशकी दे नाल ऊल जलूल वकण लग जावे तां फिर सारे पिंड विच धुम जांदा है कि इसनूं छाया हो गई है।
कोई कहिंदा एक तकीए वाले करड़े थां तो लंघ गया होना, तो कोई कहिंदा इस विच किसी की स्वर्गवासी रूह नूह वड़ गई है। अजिहे समय बीमार दा जवा दारू करन दी थां ते झाड़े टूणे टूणियां ते मंत्रां विच वधेरे विश्वास कीता जांदा है। इस समय मंत्र टूणे करन वाला हरेक सियाणा टब्बर दे इक दो मोहरी बंदियां नूं सद के समझौती दिंदा है कि उपाउ हो गया है, एक दो दिनां विच ठीक हो जाएगा। पर वड्डे वडेरियां ने अपनी मन्नत करवाउणी हुंदी है, उन्हां नूं भुलणा नहीं चाहीदा। घर वाले भी इहो समझदे हन कि उन्हां तों कोई खता हो गई होणी, खता मीनस गलती। तो इस समय कई बार मरीज़ नूं लोहे दीयां छड़ियां ते थप्पड़ां नाल मारिया भी जांदा है। कोटले वाला हैदर शेख निबंधकार लिखता है कि उसके पिंड के चढ़ते पासे संघने भरोटिया वाला एक तकिया है, जिस विच एक छोटी जिही दरगाह है। इत्थे जुमेरात नूं मुसलमान नमाजा पढ़ते ने ते बागां दिंदे ने। हरेक चढ़ते वार नूं पिंड दा भाई कोटले वाले हैदर शेख दा सवा मण आटे अते समा मण गुड़ दा रोट पकाउंदा है। यह रोट चार उंगल मोटा ते गड्ढे दे पहिए जिहड़ा हुंदा है। यह पाथियां दे दो गुहारे तपा के तैयार किया जाता है। तो फिर इस नूं जय अली ते जय पीर हैदर शेख के नारियां नाल चढ़ाउण मगरों इसके टुकड़े टुकड़े करके बुरकी बुरकी करके हरेक घर दे विच भेजी जाती हैगी। आम तौर पर यह हैदर शेख लोगों को पुत ही देंदे हन, तो इन्हां जिन्हां दे सुख पूरी हो जाए वह सारा टब्बर हैदर शेख की चौंकी भरन जाता है। तो राह विच रात पै जाण ते भुंजे ही सौंदा है। इत्थे हर एकादशी खास करके निमाणे एकादशी नूं भारी मेल लगता है। इस समय लोग बलि देण लई काले बकरे धूही फिरदे ने, होर देवी देवते। निबंधकार लिखता है कि मेरे पिंड दे लोग सारे जीआं दी गति दे लई पहोए नहाउण जांदे हन। इस तों इलावा उह नैणा देवी ते चंडी देवी दे मंदर उपर वी जांदे हन। पहलां उसदे पिंड दे लोग मुल्तान दे नेड़े धौंकण वाले पीर दा संग करन जांदे सन, पर अजकल उन्होंने जगराओं में एक होर नवें पीर उन्होंने एक नवा पीर लभ लिया है। पिंड के पोनिया वाले पीर की समाध उत्ते लोग भी कोह तो आते हैं। सिद्ध बाबे की समाध पिंड के चढ़ते पासे सिद्ध बाबे की समाध है। इसनों गिल गोत के घर अपना वड्डा वडेरा मानते हैं। हर दिन तिहार में इस समाध की मन्नत हुंदी है अते इत्थे चढ़ावे चढ़ते हैं। गिलां दे घरां विच नवीं विआही जोड़ी नूं इत्थे छटियां खेडण दे लई लिआंदा जांदा है। इस समय यह थां खास रौनक मेले का केंद्र बन जाती है। इस समाध उत्ते कई सुखणा सुखियां जांदियां ने। कहिंदे हन कि एक बुढ़ी का पुत्र का विआह नहीं सी हुंदा, वह हर रोज़ मूँह नेरे सिद्ध बाबे की समाध ते जांदी ते मंग करदी, हे सिद्ध बाबा जे मेरा कितें पुत फस जाए तो मैं 250 रुपए का कड़ाह चढ़ावा। एक दिन किसी केस के मामले में पुलिस उसके पुत्र फड़ के लै गई। बुढ़ी ने समझिया कि सिद्ध बाबे ने मेरी गल तो सुन ली है पर मतलब उल्ट समझा है। वह दूजे दिन फेस मारते गई तो नक् घसा घसा के किन्ना चिर कूकती रही, हे उल्टियां समझण वाले सिद्ध बाबिया, मैं अपने पुत नूं जेल फसाउण दी मंग कानू मंगी सी, मैं तो पुत लई महू मंगदी सी। कहिंदे हन बड़े सालों मगरों सिद्ध बाबे ने बुढ़ी की मंग पूरी की। पांधे दा आसरा जेकर पिंड विच किसे दा माड़ा मोटा नुकसान हो जावे, पशु रुद जावे जां कोई चीज़ रख के भुल जावे तां पांधे पासों पत्री खुला के पुछे जांदा है। यह दृश्य भी बड़ा रौचक हुंदा है। बुढ़ियां पांध्यां दे दान पुन करन दे दस्से उपावां विच बड़ा यकीन करदियां हन ते पांधे होरी भी चंगा चोखा दान पुन लै के तित्तर हो जांदे ने। एक वारी एक पंडित ने एक गर्भवती स्त्री नूं कहा कि उसके घर भागा वाला जी आने वाला है, पर वह कत्तक के जम्मे बाल का कोई उपाओ करावे, नहीं तो वह किसी ना किसी की जान लै लवेगा। 7-8 दिन उस जनानी ने पंडित की बड़ी सेवा की। जाते सारे टब्बर जो कपड़े तो एक खोते का लद दाल दाने का दे दिता। जाते हुए पंडित जी गुआंढ नूं कह गए कि इसके घर तो कुड़ी जम्मनी है। पंडित की एक चाल सी कि जेकर कुड़ी जम्मी तो गुआंढण आखेगी कि मैनू तो पंडित जी दस गए सन, पर जे मुंडा होया तो पौंवारा आपे ही हन। इस तों इलावा होर भी बहुत सारे वहम भरम किए जाते हैं, जिमें धागे तबीत टूने अते होर वहम भरम। नईया बहुआ इलवला अते कुचीलों तो बचाने लई तबीत कराए जाते हैं। अठराहे का इलाज भी सियाणियां तो दे तबीतां दे नाल कीता जांदा है। अठराहा हुंदा मतलब जिहड़ा 8 माह बच्चा, मतलब जिन्हां दे
ਅਠਵਾਂਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਵੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬੰਧਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਡਲਾ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗਦੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਮਰੇ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਕਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕੌਣ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, 2016 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2021 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨਿਬੰਧ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਚੱਲਣ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੋਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਆ ਦਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਭੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਮੱਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਤਕੀਏ ਵਾਲੇ ਕਰੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮੰਤਰਾਂ, ਝਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਧੂਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਾ ਮੀਨਸ ਗਲਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਗੀ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਜੇ ਸੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਠਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਟੂਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ
पिप्पल नूं पाणी देणा, गां नूं पिन्नी चारनियां, ग्रहण समें फटे पुराने कपड़े मरासियां ते गदीलियां नूं देण दे काम कीते जांदे हन, ते मर किसे मरे निमित्त कपड़े गरीबां विच वंडणे, श्राद्धां विच पंडतां नूं दसवीं दे दिन गुरद्वारे दे भाई नूं, वीरवार वाले दिन साई नूं खीर खवाउणी वड्डे धर्म कर मन्ने जांदे ने। जेकर फिर भी चंगे दिन ना आउण तां लोक इस नूं किस्मत समझ के सबर कर लैंदे ने। इस प्रकार निबंधकार ने अपने पिंड दे इष्टां दी गल करदिआं इसदा अजिहा सुधारनीकरण कीता है कि इस विच्चों सानूं साडे पंजाब दी तस्वीर झलकदी विखाई दिंदी है। कहानी निबंधकार ने अपने विषय नूं बड़े व्यंगात्मक ते हासरसी अंदाज दे विच पेश कीता है, जिस दे नाल इह काफ़ी रोचक ते प्रभावशाली बन गया है। समुचे तौर पर इस निबंध का विशा मौलिक, यथार्थिक, व्यंगात्मक है ते रचनात्मक है। तो उम्मीद करती हैगी कि तुहानू इस विषय बारे पूरी चंगी तरह समझ लग गई होनी है। तो जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक ते कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के नाल वध तो वध शेयर करना, ते जेकर पंजाबी माँ बोली नू समर्पित इस चैनल तो पाईआं जांदीआं वीडियोस ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।